और ये मेरा तीसरा व्लॉग है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। और आज मेरा तीसरा पेपर दूसरा पेपर है, तो कि मुझे अभी बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे टाइम बहुत हो गया मेरा, तो अभी मैं निकलता हूँ समझो कि 5-10 मिनट में फिर से, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था व्लॉगिंग की थी, बहुत मुश्किल से पहुँचा था, बस पर जगह नहीं मिली थी खड़े होने की, तो अभी भी मैं जा रहा हूँ। तो भाई आप कहाँ पर रहते हैं? मेरे सामने वाली गली में घर है, एड्रेस लीक नहीं करना मेरा, ठीक है ना? बताओ ये भाई का सामने घर है, वो बोल रहे मेरा एड्रेस शो नहीं करना यहाँ पे। चले मैं आपका एड्रेस शो नहीं करता भाई, और अभी मुझे दीजिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं जाता हूँ वहाँ पे सेंटर पे जाके फिर आपसे वहीं से वीडियो शुरू करता हूँ, इसी वीडियो को कंटिन्यू करने। हाँ तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गया और घर से निकल चुका हूँ। अभी 1 बज चुका है, 1 घंटा है मेरे पास, जो कि मैं बस स्टॉप पर जाऊँगा, फिर वहाँ पर बस वाले लेट करते हैं यार, बहुत स्लो स्लो चलाते हैं, रोक रोक के चलाते हैं बस को, तो अभी जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से भागते हुए जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बस पे बैठना है, फिर बस वाला स्लो स्लो चलाएगा, फिर वहाँ पे रेंजर चौकी पे ना वहाँ पे चेकिंग होगी, उसके बाद बहुत टाइम लग जाएगा। हेलो कैसे हो गाइस, ठीक हो? ये सब मेरे फैन हैं। हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल का नाम क्या है? ठीक है चलो, डन कर दो। ओके डन हो गया, डन हो गया। तो गाइस ये मेरे छोटे छोटे भाई हैं, सब इधर पड़ोस वाले हैं, सारे क्रिकेट खेलते हैं, तो खेल बोलते हैं कि हम लोग क्रिकेट आपके साथ खेलेंगे, उसमें तो हमारे साथ खेला करो, तो रेगुलर इनके साथ कभी कभी मैच खेलते रहते हैं फन टाइम में। तो गाइस 1 घंटा है मेरे पास, जो कि मुझे वहाँ पर सेंटर पर पहुँचना है, तो इसलिए अभी समझो कि मैं स्पीड से जाऊंगा, भागते हुए आधा रास्ते भागते हुए जाऊंगा, और बस 1 घंटा है मुझे सेंटर पे पहुंचना है। तो गाइस इसी ब्लॉग को मैं फिलहाल करता हूँ, रोकता हूँ, स्टॉप करता हूँ, ठीक है? इसी ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं गाड़ी पकड़ूँ और सीधा जाके सेंटर पर पहुँचूँ, वहाँ पर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मुझे लिफ्ट मिल चुकी है, और ये भाई अल्लाह वाली चौरंगी, जहाँ पे जो भी कोई बड़ा इवेंट वगैरह होता है ना, तो यहाँ पर होता है अल्लाह वाली चौरंगी। बस आ चुकी है, मैं अभी बस पे जाके बैठूंगा, और ये मेरी गाड़ी आ चुकी है, ठीक है? अभी मैं सीधा जाता हूँ। जाएगी ना गाड़ी? कहाँ जाना है? ढाबे जी। ढाबे जाएगी, चलो ये गाड़ी जाएगी ढाबे जी, और मैं चलता हूँ बस पे बैठता हूँ, वहाँ पे जाके सेंटर में।
तो गाइस मैं फाइनली ही उतर चुका हूँ दादर की मार्केट पर। तो अभी मैं जा रहा हूँ सेंटर की तरफ, चलते हैं लोग तो कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हुआ। हाँ तो गाइस ये मेन हाईवे रोड है दादर जी का, यहाँ से चल रहे हैं। मेरे ख्याल से रास्ता में थोड़ा सा भूल चुका हूँ, रास्ता उधर से जा रहा हूँ। दादर जी मेन मार्केट ही है, पीछे जो बस है ना एक बस से उतरा हूँ। नेशनल स्कूल हाँ काली जी चले चलो भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, जैसे मैं मार्केट पहुँचा हूँ तो भाई ने मुझे बुलाया, वहाँ जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या चैनल का नाम है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रही हो? भाई मैं आ रहा हूँ गुलशन हदीद से। अच्छा अच्छा हाँ जी। डेली व्लॉगिंग कर रहे हो? डेली व्लॉगिंग तो कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आज ये मतलब मेरा तीसरा व्लॉग है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप अपना तारुफ करवा दें भैया। मैं एजाज दानिश। मैं मोहम्मद सलाम। अच्छा कोई एक बंदा यहाँ पर आके देखेगा कि सही आ रही है वीडियो की नहीं आ रही? तो एक मिनट इधर आ जाइए भैया, इधर से आ रहे हैं। चले ठीक है भैया, और बताइए भैया अपना तारुफ करवा दें। मैं यहाँ पे सेंटर पेपर देने के लिए आया हूँ सेंटर पे। अच्छा अच्छा नेशनल कॉलेज। हाँ यालिम दे रहा था, महंगाई के बारे में कुछ बोल। मेरा नाम दानिश है, ये भाई है एजाज, ये दानिश भाई हैं, और ये कामरान भाई है, और भाई आपका नाम एजाज भाई हैं। चलो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, असमत यार ब्लॉग्स नाम है मेरे चैनल का। बड़ी मेहरबानी, वाकई में इंशाल्लाह टाइम मिला तो आपके पास जरूर आएंगे, मुलाकात होगी और आपसे बात करके बहुत ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस। ये थे कुछ यहाँ के दादा जी के रहायशी हैं भाई, और ये मिले हमसे और बहुत खुशी हुई इनसे बात करके। तो अभी मैं चलता हूँ सेंटर किस तरफ। माशाल्लाह से यहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे तरीके से बात करते हैं, बहुत प्यारे लोग हैं कसम से। तो यहाँ पे भी मार्केट वगैरह खुली हुई है तकरीबन सारी। मैं यहाँ पे अभी ना मास्क उतार दूँ, लेकिन क्या है कि गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, तो इस वजह से अभी नहीं उतार रहा। मैं जाके सेंटर पे जाऊँगा, पहले फेस वॉश वगैरह करूँगा, अगर गेट खुला होगा तो अंदर जाके फेस वॉश करूँगा, उसके बाद जाके क्लास में जाऊँगा। हाँ तो मेन चीज़ मुझे ये बतानी थी कि अगर स्कूल में मोबाइल अलो हुआ तो मैं अंदर जाऊँगा, क्लास की भी वीडियो बनाऊँगा, टीचर से बात करवाऊँगा, थोड़ी बहुत फ्रेंड्स भी हैं मेरे वहाँ पर, उनसे सबसे मुलाकात करवाऊँगा आपकी। अगर अलो हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो ये होगा कि सीधा जाऊँगा तो टीचर मोबाइल ले लेंगे। कल भी यही हुआ था, मैंने आपको बोला था कि मैं स्कूल में जैसे इन हुआ तो टीचर ने सबसे मोबाइल ले लिए, सिर्फ मुझसे नहीं सबसे मोबाइल ले लिए, सबसे मोबाइल ले लिए। चलिए मैं आपको आगे का रास्ता दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से इस गली से टर्न लगाना पड़ेगा, कहाँ से जाना पड़ेगा भाई? ये नेशनल कॉलेज का रास्ता कहाँ से जाएगा? आगे से इधर से जाऊंगा तो चलें। ठीक है जी। हाँ तो गाइस मैंने भाई से पूछा कि सामने कौन सा रास्ता पड़ेगा, तो उसने मुझे बोला कि ये वाला रास्ता आपको सामने पड़ेगा, अगर जाएंगे तो शॉर्टकट होगा, अगर मैं पीछे के रास्ते से जाता तो थोड़ा लेट ही हो जाता। हाँ तो मेरे कहने का मेन मकसद ये था कहने का कि अगर अंदर मोबाइल अलो हुआ तो मैं जाके अंदर से वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी वाली बनाऊंगा, उम्मीद करता हूँ आपको सबको पसंद आएगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन हाँ सही रास्ता भाई ने बताया मुझे। और कंटिन्यू करूंगा, और लास्ट में आज भूख भी लगी, आज मैं नाश्ता करके आया हूँ, सिर्फ पानी पिया है और एक स्ट्रिंग पी है, चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, तो इस वजह से नाश्ता मैंने फुल भर भूख के नहीं किया। तो वहाँ से मैं जब आऊँगा तो यहाँ पे कोई अच्छी सी
रेस्टोरेंट होगी जहाँ पे अच्छी सी बिरयानी होगी तो जाके बिरयानी खाऊंगा, मैं बिरयानी लवर हूँ तो जाके बिरयानी खाऊंगा। और आज आगे भी बहुत रश है, कल के जितना रश नहीं है लेकिन है रश, तो आपको दिखा देता हूँ जी। कल वाला मैंने अपलोड कर लिया, हाँ मैंने अपलोड किया था, आपकी भी वीडियो आई हुई है इसमें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप देखोगे ना, नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। तो गाइस बस मैं पहुंच ही गया हूँ सेंटर पे, तो अभी मैं मोबाइल को रखता हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल का बैटरी भी लो होगा और अंदर जाऊँगा तो सर मोबाइल ले लेंगे यार मुझसे। देखें अंदर से जो भी आगे से देखें स्टूडेंट जो भी हैं, बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, सब जो लोग स्कूल पर जा रहे हैं, ये सारी बच्चा पार्टी। हाय। तो गाइस कहने का मकसद ये था कि अभी मोबाइल को रखता हूँ और इस व्लॉग को फिलहाल स्टॉप करता हूँ, ठीक है? तो अंदर जाके फिर मैं स्टार्ट करूँगा व्लॉग को, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त मोबाइल रखने की, इसी व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगा। सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, 1:55 हो रहे हैं, तो अभी मैं जैसे ही अंदर जाने की कर रहा था लेकिन वहाँ पे गार्ड खड़े, तो गार्ड ने कहा कि 2 अंदर इन होंगे बॉयज़, गर्ल्स जा रही हैं लेकिन बॉयज़ हैं, तो 2 इन होंगे अंदर। तो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, हाँ अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, वो सारा रश है, सब वेटिंग पे खड़े हैं कि 2 2 पूरे बज जाएँ तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे। तो आप सब देख सकते हैं, तो मैं भी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ अंदर जाने का, तो तब तक के लिए मुझे भी रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा फ्रेश वॉश वगैरह कर लूँ। हाँ तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि मैं सेंटर पे पहुँच गया हूँ और अभी यहाँ पे सर गार्ड खड़े थे गेट के अंदर जा रहे थे सेंटर पे, तो गार्ड ने कहा कि 2 इन होंगे अंदर जो भी हैं बॉयज़, 2 अंदर इन होंगे, जो गर्ल्स हैं वो हमसे पहले जा चुकी हैं, मतलब वो गर्ल्स का रास्ता खुला हुआ है अंदर जा रही सेंटर पे और हम बॉयज़ जो हैं वो बाहर यहाँ पे सड़कों पे, ठीक है? ये देखो रोड पे इस तरह से हम खड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। अभी तो मैं साइड पे आके बैठ गया हूँ, बहुत थक चुका हूँ, आपने देखा तो सारे व्लॉग में रास्ते में खड़ा हुआ था बस पे, फिर बैठा, फिर रास्ते में आ रहा था इधर उधर, बहुत टाइम, मतलब मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अब मैंने बोला था आपको मैं फेस वॉश जाके मैं फेस वॉश करूँगा लेकिन उतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं जाके फेस वॉश करूँ। तो गाइस यही सीन है, मैं अभी यहीं पर हूँ, यहीं पर बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ 2 5 रह गए, 3-4 रहते हैं, तो मैं यहीं पर हूँ वेट कर रहा हूँ, जैसे ही गेट खुलेगा सीधा हम बैठे हैं। अभी और भी स्टूडेंट्स आते ही जा रहे हैं, अगर मैं आपको पूरे तरीके से बता दूँ ना, आगे बहुत रश है, आगे बहुत रश है, मैं तो साइड पर आके वहाँ पे बैठ गया। तो मैं इस व्लॉग को करते हैं फिलहाल स्टॉप, और जैसे ही पेपर ख़त्म होगा तो मैं फिर से आपसे इस व्लॉग में मिलूँगा, अगर अंदर मौका मिल गया, मोबाइल अंदर हलो हुआ तो मैं अंदर भी वीडियो बनाऊँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं मोबाइल को रख लूँगा, और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं यहाँ से धूप में आया हूँ, जैसे मुझे बहुत सारी गर्मी लग चुकी है, मेरा दिमाग भी गर्म हो गया है, बिल्कुल गर्म हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे सामने अंकल की दुकान है और ये आप देख सकते हैं सामने कितने सारे स्टूडेंट हैं, और ये सामने सेंटर का गेट है अभी तक बंद है, और ये गर्ल्स के लिए ओपन है अभी, खुला हुआ है, तो गर्ल्स आ रही हैं सीधा अंदर जा रही हैं, बॉयज़ यहाँ पर बाहर धूप पर खड़े हैं वेले सारे, ठीक है? तो अभी मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ, ये स्टिंग मैंने ली और ये अब मैं पीऊँगा, मैं दिमाग को दिल को ठंडा करूँगा तो इधर रेस्ट करूँगा, और ये मेरे पीछे दूसरे भाई भी हैं और ये भी ब्लॉगर हैं, तो इनसे भी अभी मालूम करते हैं इनका कौन सा चैनल है, ये भी बताएंगे हमें। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भैया? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। तो भैया आप भी, आपने बताया कि आप भी ब्लॉगर हैं, तो आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए। ऑर्डिनरी ट्रेवलर। अच्छा भैया, आप लोगों ने नाम सुन लिया, और भाई जान आप बताएँ, आप भी ब्लॉगर हैं? नहीं भाई। अच्छा 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 इंस्टाग्राम, अच्छा इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं दादा, चलें ठीक है। मैं टिकटॉकर हूँ पीछे, मतलब कि बहुत पहले टिकटॉक बनाता था, तो अचानक से मेरी आईडी भी डिलीट हो चुकी है, मोबाइल चोरी हो गया, उसके बाद आईडी भूल गया मेरी। तो भैया मेरी तरफ से स्टिंग पियेंगे थोड़ी बहुत, थोड़ा चिल हो जाए। अच्छा चलें ठीक है। तकरीबन यहाँ पर बहुत सारे गुलशन हदीद के लड़के आ रहे हैं, ये भी मेरे सामने खड़ा हुआ है। मैं अभी मोबाइल को रखता हूँ, मेरी बैटरी हो रही है लो, तो पेपर के बाद मैं आपसे मिलता हूँ इसी ब्लॉग पे, और ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो क्योंकि मैं यहाँ से जैसे निकलूँगा आपको इसी ब्लॉग पे दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सीन
ऐसा है कि मैं भी सेंटर के अंदर इन हो चुका हूँ और क्लास पर आ गया हूँ, तो थोड़ी ही देर में मैं पेपर स्टार्ट करूँगा और ये भी टीचर आएंगे मोबाइल हमसे ले लेंगे, तो यहाँ पे पेपर पे मोबाइल अलाउ नहीं है, तो इसी ब्लॉग में आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में पेपर के बाद। ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। गाइस फाइनली मैं पेपर देकर अभी सेंटर से बाहर आ चुका हूँ और मैंने आपको कहा था कि इस ब्लॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, तो अभी मैं जा रहा हूँ वापसी। हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो? हाय, वी आई पी अलहमदिल्ला ज़बरदस्त पेपर किया, आमीन। हाँ तो गाइस, तो मैंने आपको कहा कि मैं सेंटर से बाहर आ चुका हूँ पेपर वेपर दे कर, अलहमदिल्ला वी आई पी पेपर हो गया, और मैंने आपको यह कहा था कि ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो अभी मैं जाऊंगा सिर्फ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर दादाजी पे देखूँगा कोई अच्छे से होटल हो जहाँ पे बिरयानी हो, वी आई पी वाली मेरी फेवरेट चीज़ है बिरयानी, तो मैं भी खाने जा रहा हूँ बिरयानी। तो सीधा अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, ठीक हो? चीटिंग मारा, लेकिन चीटिंग नहीं मारा, हमने पेपर याद किया था। हाँ तो गाइस बच्चे बड़े तेज, असमत सियाल ब्लॉग, असमत सियाल ब्लॉग। हाँ तो गाइस ये तो माशाल्लाह से दादाजी के रहने वाले बहुत अच्छे बंदे हैं यार, सब सपोर्ट कर रहे हैं, सभी पूछ रहे हैं कि चैनल कौन सा है, लेकिन ये मेरा तीसरा व्लॉग है, तो इंशाल्लाह ये कामयाब जाएगा और अच्छा जाएगा, आप लोग जितनी सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा मेरा व्लॉग जाएगा। बस मेरे चैनल को लाइक शेयर और अपना कमेंट कीजिएगा, अच्छे वाले कौन सी है, और वीडियो अच्छी है या ख़राब है, कोई भी ऐसी है, कुछ भी मसला हो वीडियो में तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, भले गलत हो तो गलत बता दें कि अच्छा अच्छी वीडियो नहीं बना रहा, तो मैं और भी अच्छी बनाऊँ। बोल, हाँ भाई बोल, चीटिंग बोल, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, चीटिंग नहीं हुई, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैं सेंटर पे पहुंचा ना, जैसे मैं लास्ट में वीडियो बना रहा था, तो वहीं पे सर ने मोबाइल हमसे ले लिए, मुझसे नहीं सबसे मोबाइल ले लिए और मोबाइल लेके रख दिए, तो आखिर में जब निकलने वाले थे तब जाके हमें मोबाइल मिले, जो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ब्लॉग से। हाँ तो भाई बस मैं सीधे सीधे जा रहा हूँ अभी, और मेरे ख्याल से घारों में भी सेंटर, घारों से आ रहे हैं भाई? हाँ भाई ये लोग घारों से आ रहे हैं, इनका सेंटर घारों में लगा था, दादा जी के रहने वाले हैं और ये घारों से भी पेपर देके वापसी आ रहे हैं। तो अभी आपको आगे का भी सीन दिखा देता हूँ, देखें भाई ये कोस्टर रेडी हैं अभी गुलशन जाने के लिए, एक बॉयज़ का है और एक गर्ल्स का है, तो ये लोग अलग से जाएंगे और मैं अलग जाऊंगा, ठीक होगी, मैं अपने एंजॉय करते हुए जाऊंगा। ये एक कोस्टर है गर्ल्स का है सामने वाला, और ऑरेंज कलर का जो है वो है बॉयज़ का, तो ये लोग जाएंगे अपनी तरफ से और मैं जाऊंगा अपनी तरफ से। क्यों मैं भी जाता इनके साथ, लेकिन क्या है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं पहले जाऊंगा किसी अच्छे से होटल पे जाके अपनी तगड़ी वीआईपी गरम बिरयानी खाऊंगा, मुझे नहीं खाऊंगा बिरयानी, ठीक है? तो अभी किसी से पूछता हूँ कि बिरयानी कहाँ पर मिल रही है, मैं जाऊंगा बिरयानी खाने, चलें अंदर एक मार्केट है, वहीं मार्केट में चलते हैं। क्या नाम है लड़का ना? अच्छा अच्छा होटल का नाम है लड़का ना बिरयानी वाला, चलो भाई लड़का ना बिरयानी वाले के पास चलते हैं अभी।
मैं तो बहुत दूर तक आ चुका हूँ, लड़का ना बिरयानी वाला पता नहीं कहाँ, फिर अभी किसी और से मालूम करता हूँ कि ये लड़का ना बिरयानी वाला है कहाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, लड़का ना बिरयानी वाला कहाँ पर होगा? यही है यार, दिखने में तो बड़ा वीआईपी होटल लग रहा है। चलें अभी मैं क्या खाऊं, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये फ्राइज बन रही है वीआईपी वाली, जब मैं सेंटर से निकला तो दिल कर रहा था सिर्फ बिरयानी खाऊं। तो अभी मेरा दिल बहुत मतलब ना माइंड चेंज हो गया कि मैं क्या खाऊं। यहाँ पे प्राइस भी वीआईपी वाले तगड़ी बन रही है, और दिखा सकता हूँ आपको ये बर्गर के कबाब भी पड़े हुए, और अपना चाचा एक कर लें बिरयानी। नहीं नहीं बीफ नहीं, चिकन बिरयानी। चिकन भी है? चिकन है। चलें फिर आप एक चिकन कर लें डबल वाली, ठीक है? इधर इधर ही दे दें। चलें ठीक है। चलो भाई, मैंने भाई को बोल दिया है कि मुझे डबल बिरयानी चाहिए, चिकन डबल बिरयानी, तो मैं जाके अभी बिरयानी खाऊंगा। सबसे पहले मैं अब हैंड वॉश करना है मुझे, तो थोड़ा मोबाइल ऊपर करो, चेहरा सही नहीं है। अरे यार बढ़िया, अब ठीक है। चलो भाई एक मिनट, ये भाइयों ने मुझे बताया कि भाई सही नहीं आ रही वीडियो, तो आप ऊपर कर लें कैमरा को। चलो भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, आ जाओ बिरयानी खा रहा हूँ, आप भी आ जाएँ खाएँ साथ में। चलें ठीक है। हाँ जी गए, तो ये भाई वालों ने कहा कि कैमरा सही नहीं पकड़ा, तो मैंने सही पकड़ लिया। अच्छा हुआ कि भाई ने बता दिया कि मेरा मुखड़ा अच्छा वाला नहीं नजर आ रहा था। तो अभी जगह यहाँ बैठ सकते हो? हाल तो वीआईपी बना हुआ है यार बिरयानी के लिए, लेकिन मैं अकेला यहाँ पे खाऊंगा। तो गाइस सीन ये है कि मुझे अभी ना हैंड वॉश करने हैं, ठीक हो गया, हैंड वॉश करने हैं, उसके बाद जाके मैंने अपना खाना खाना है। लेकिन यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, घर में साइड जाऊँ तो यहाँ पर भी हैं लोग, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो मज़ा भी अलग आएगा। तो गाइस मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं अभी जा रहा हूँ हैंड वॉश करने के, हैंड वॉश करके फिर इधर आ गया हूँ। चलो बस थोड़ी ही देर में मेरी बिरयानी रेडी होके आ रही है, तो मैं खाऊंगा मज़े से और पेट फूल हो जाएगा। क्योंकि ना सुबह मैंने नाश्ता किया ना, जब नाश्ते में मैंने क्या खाया था, सुबह मैंने एक बिस्किट लिया और स्टिंग जो मेरे आपके सामने पड़ी हुई है, एक स्टिंग घर पर पी के आए, एक यहाँ पे पीने में, तो और कुछ नहीं खाया मैंने। तो गाइस तो गाइस फाइनली मेरी बिरयानी आ गई है, और वो भी सिंगल नहीं डबल बिरयानी है। भाई आ जाओ बिस्मिल्लाह भी खा सकते थोड़ी बहुत। तो ये देखो यार वीआईपी तरीके से बिरयानी आ गई, सिंगल नहीं है डबल है, और स्टिंग में मंगवा था लेकिन मेरे पास अवेलेबल थी, यहाँ पे पेपर के लिए लेकर गया था, पेपर पे जो प्याज लगती है ना वहाँ पे, इसलिए। तो चलो भाई मैं अभी बिरयानी करूँगा, स्टार्ट शुरू हो जाऊँगा, और खा के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सुबह मैं जैसे आया हूँ यहाँ पे सेंटर पर, ठीक है, घर में था, घर से जैसे निकला था, कितने बजे मैं निकला हूँ, 12 बजे घर से निकला हूँ, ठीक है। तो 12 बजे जैसे निकला मैंने वहाँ पे एक स्टिंग पी है, और आधा गिलास पानी का पिया मैंने, और उसके बाद सीधा मैं सेंटर पर आया हूँ। सेंटर के बाद मैंने अभी बिरयानी के साथ पानी की बोतल एक मंगवाई है, जो कि अभी मैं पी रहा हूँ पानी। बहुत प्यास लगी थी यार, लेकिन
अब मुझे जल्दी से जल्द घर पहुँचना है और बहुत टाइम हो चुका है। और यहाँ पे गाड़ी भी मुश्किल से मिलती है वापसी के लिए, आते वक्त भी मुश्किल से मिलती है और जाते वक्त भी मुश्किल से मिलती है। और ये भाई ये होटल होटल का नाम क्या है? शहबाज लाल का। ये क्या कहते हैं अपना ये इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? शहबाज लाल। शहबाज लाल राम। मेन्यू कार्ड होगा ना आपका? मेन्यू कार्ड होगा? मेन्यू कार्ड नहीं है। अगर वो भी होता है मेन्यू कार्ड तो यहाँ पे इशू कर देते हैं। चलें खैर शहबाज अपना मेन मार्केट ढाबे जी। एल शहबाज ढाबा ना। आ जाए इधर से इंट्रोड्यूस करवा लें। नहीं सर मैं मेरा भाई आ जाए करवा दो, मैं अभी नया ब्लॉगर हूँ अभी अभी स्टार्ट किया मैंने। आ जाए इधर से। आ जाए आपका पहला दिन ब्लॉग बनाया आपने? आज मेरा तीसरा दिन है। अच्छा हाँ आज ये मेरा तीसरा ब्लॉग है जो कि अपलोड करूँगा शाम को एडिटिंग करके। आज आपके सामने आए थे होटल का नाम भी बता दें और एक मिनट में कर लेते हैं। भाई ये हैं भाई वर्कर्स के, तो ये भी आपको बताएंगे कि इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है और कौन सी जगह पर कौन सी लोकेशन है, सब कुछ आपको ये गाइड करेंगे। भाई बता दिए एल शहबाज ढाबा होटल रेस्टोरेंट है हमारा मार्केट में एशियन की तरफ पड़ता है टाटा ज़िला में। ये हमारे एरिया में मेन मार्केट है दावेजी मार्केट। अच्छा अच्छा जी। यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगा। अच्छा तो भाई आप लोगों ने भाई की बात सुनी कि ये मेन मार्केट जो है दावेजी की आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। अगर कोई भी आसपास पास घूमने फिरने आता है तो यहाँ पर स्टे कर सकता है और यहाँ पर खा भी सकता है दो टाइम के लिए। तो गाइस ये मैंने आपसे भाई ने आपको बता दिया सब कुछ। तो मेरी बिरयानी हो रही है ठंडी तो मैं इसको जल्दी जल्दी प्लेट में डालता हूँ, भूख लगी बहुत यार, जल्दी जल्दी फिनिश करता हूँ मैं उसको। पेट फूल किया ये बस क्या खानी वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? ठीक है भाई। अच्छा तो आप यहाँ पर काम करते हैं रेस्टोरेंट पे या अभी ऐसे ही आए विजिटिंग पे खाना वाना खाने? अच्छा 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 चले चले भाई आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और जी भाई बहुत वीआईपी की बिरयानी आपकी ज़बरदस्त बिरयानी थी। मैं गुलशन हदीद का हूँ भाई जान। जी मैं गुलशन हदीद का हूँ
और यहाँ पर पेपर पर आया हुआ था और पेपर जब करके सीधा निकला हूँ तो भाई बड़ी मेहरबानी, बस आपने पूछा है, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपने पूछा, बहुत बड़ी बात है। और भाई मेरा चैनल है, अभी मोबाइल है आपके पास? मोबाइल है आपके पास? अच्छा मोबाइल चलें। वो दूसरा भाई है ना आपका, उसका मैंने अपनी आईडी बता दी है, ठीक है, वो आपको बता देंगे। और मेरी आईडी का नाम है असमत फ्याल व्लॉग्स, ठीक है। आज मेरा तीसरा दिन है तो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, अल्लाह करे अच्छे व्लॉग बन जाएँ जैसे बना रहा हूँ। तो उम्मीद यही करता हूँ कि मैं अच्छे व्लॉग बनाऊँगा और सबको पसंद भी आएंगे। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, धड़ाधड़ कीजिएगा, ठीक है भैया। तो ये भाई भी हैं, इधर ही काम करते हैं, बहुत अच्छे, मतलब एक लाख वाले अच्छे तरीके से इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, नाइस। जी भाई ये अभी तो कंटिन्यू करूँगा मैं इसको, हाँ गाड़ी जब तक गाड़ी में बैठूँगा तब तक ये रेडी होगी। तो इंशाल्लाह आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं अपलोड करूँगा रात को, ठीक है। दूसरे भाई हैं ना जो समझे ना, जो आए थे वहाँ पे, हाँ। तो गाइस ये है मेंस के लिए सिर्फ मर्द यहाँ पर जो यहाँ पे बैठ सकते हैं, और वहाँ है ख्वातीन के लिए, वहाँ पे सिर्फ फैमिलीज़ वगैरह बैठ सकती हैं आगे। ये मैं आपको दिखा दूँ, जहाँ पर पर्दे वगैरह लगे हैं वहाँ पर सिर्फ ख्वातीन बैठ सकती हैं। और ये भी फैमिली के लिए, ऐसे ही सबके लिए, ये सब के लिए, ठीक है सर, ये हो गया। जहाँ पे मतलब पर्दे वगैरह लग रहे हैं वहाँ पे फैमिलीज़ बैठती हैं, और बाकी ये है मेंस के लिए, मर्दों के लिए ये जगह, बैचलर्स जो आते हैं वो उनकी ये जगह है जहाँ पे मैंने खाई यहाँ पर, ठीक है, बैचलर्स की जगह पे। और अच्छे, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये भी, और मैं हूँ बिरयानी लवर तो मुझे पता है कि मैंने बिरयानी खाई है तो बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी, बहुत ही अच्छे तरीके की बिरयानी थी, टेस्टी थी। और ये है देख लें रेस्टोरेंट सजाद सुभानी, रेस्टोरेंट का नाम है सजाद सुभानी, और ये मेन अपना दाबे जिन मार्केट पर है। ये देख सकते हैं आप सामने चाय का, पराठे का, ये देखें ये चाय का इंतज़ाम भी है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये चाय का भी इंतज़ाम है और यहाँ पे पराठे भी बनते हैं, और अपना यहाँ पे देखें फ्रेश जूस भी बन सकता है, यहाँ पर बनाते हैं वो भी लोग पीते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है, आपको जो भी भूख लगे, जो भी चीज़ चाहिए हो, जो भी पसंद हो, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। ये देखें बर्गर भी बन रहे हैं, और यहाँ पर समोसे वगैरह, चाट भी है, समोसे भी हैं, और अपना चटनी भी वी आई पी गर्म गर्म बना के देते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये देख गाइस आपको ये सब कुछ मैंने दिखा दिया, और ये सामने है माशाल्लाह से, मेरे ख्याल से यही ओनर है होटल के। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ओनर ही यहाँ पे ना, माशाल्लाह से। अंकल आपकी बिरयानी मैंने खाई है, बहुत वीआईपी थी, टेस्टी थी बहुत ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपके और भी ये रेस्टोरेंट चले। और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपकी मार्केट जो है लोकेशन। तो भाई ये दिखाते चलूँ मैं आपको, ये भी सारी बेकरी के आइटम है, बेकरी के आइटम जो भी हैं वो ये चीज़ है हर जगह। भाई हाय भाई, भाई भेजने व्लॉग बना रहा हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी दुआएं आपकी बिल्कुल ठीक, मतलब कि यहाँ पे इस रेस्टोरेंट पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखें हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे स्टे करने का भी इंतज़ाम होगा ना, बंदा रेस्ट कर सकता है ना दूर से आए तो। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बेकरी का इंतज़ाम है, और पीछे देख सकते हैं ये हर चीज़, मिठाई वगैरह जो कुछ भी आपको चाहिए हो यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब मैंने अंदर से तो आपको सब कुछ दिखा ही दिया। तो गाइस अभी ये मेन मार्केट है यहाँ पर, ये है इसका नाम रेस्टोरेंट का, अल शहबाज लाड़काना, और ये देखो स्वीट्स बेकर्स एंड पकवान सेंटर। तो गाइस इसी व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वैन सामने खड़ी हुई है, अभी मैं सीधा जाके वैन पर बैठता हूँ, काश जगह होगी तो मैं जाके बैठूँगा वैन पे। हाँ भाई वैन मार्केट पर नहीं होगी, चलो वैन अभी खड़ी हुई है, काश इसकी जगह हो तो मैं जगह इससे वैन पे बैठ जाऊँगा, वैन पर जगह है, जगह है ना। हाँ तो गाइस फाइनली मैं वैन पर बैठ चुका हूँ, पैसे सही आ रहे हैं भैया?
से आ रहे हैं। ये है वैन सीधा ठट्टा से जाती है कराची। कराची कौन सी जगह तक जाती है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जिधर मैं उतरने वाला हूँ वो बताया कि किशन भी तक जाएगा। ये पीछे भी पैसेंजर बैठा है सारे। हाय भाई कैसे हैं? ठीक है ठीक है। चैनल का नाम क्या है आपका? अस्मत सियाल ब्लॉग्स। अस्मत सियाल। तो मैंने आपको यहाँ के हर हर एक चीज़ दिखा दी ब्लॉग में, और कौन सी रेस्टोरेंट है, कौन से लोग हैं, और ये मेरे साथ उसे बताइए बैठे हैं। अच्छा लास्ट टाइम तो मेरे भाई का सेंटर वहाँ पर लगा था मकली पर, और अच्छा हुआ कि मेरा इधर दाबे जी पर ही लग गया है। हाँ ये सामने ही हमारे बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई ये वैन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमें 20 मिनट में करते हैं। तो गाइस फाइनली ही मैं बस वैन से उतर चुका हूं, और अभी घर की तरफ निकल रहा हूं। ये सामने अलशम स्कूल है और मैं भी घर जा रहा हूं। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी बड़ा ही हो गया व्लॉग, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद ना भी आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, ठीक है? और जो जो कमी है मेरे व्लॉग में तो वो भी मुझे कमेंट पर बता दीजिए कि क्या कमी है, तो मैं ताकि अगली वीडियो पर वो मैं पूरा कर सकूँ, ठीक है, जो इसमें कमी है मेरे ब्लॉग में। तो बहुत थक चुका हूँ मैं अभी तक। ये सामने दोस्त खड़े हैं, हाँ तो गाइस बस मैं एक मिनट में घर में पहुँचने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग को यहाँ पर करता हूँ मैं एंड, क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है। पूरे 2-2.5 घंटे पूरे एक जगह बैठ बैठ के ना बंदा थक जाता है यार। व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को बस सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर कर दें, और अपने दोस्तों को भी बोल दें कि ये मेरे व्लॉग को शेयर करें। तो गाइस इस व्लॉग को मैं करता हूँ एंड। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने घर वालों को खुश रखिएगा, और कोई बात हो ना हो लेकिन हंसते रहो, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ भाई। अगले मिलते हैं अब अगले व्लॉग पर। बाय।